सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई कुवैत का वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है भैया। इस क्वेश्चन ने हमको कर दिया परेशान, तो हमने कहा कि चलो बनाते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो यहाँ पर मैंने ना एक अच्छी आदत करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये है कि मेरे पास जैसे कि फ़ोन है अपना सैमसंग S8 Plus, बहुत पुराना हो गया, ठीक है, कुएं से ही लिया था। तो जी अब मैं क्या है ना, काफ़ी जब भी लोग कमेंट्स करते हैं यू नो या इंस्टाग्राम पे जो सबसे ज़्यादा मैसेज, क्योंकि देखो आप लोगों को पता कि सबसे ज़्यादा लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं, जैसा कि हमने बोला कि हम इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अब याद नहीं रहता भाई किसने क्या है, काफ़ी लोग बार बार मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप ना बार बार मैसेज करके मुझे याद दिलाया करो। मैंने काफ़ी लाइव सेशन में भी बोला है, ठीक है। तो अब फिर जैसे ही कोई बार बार मैसेज करता ना, तो हम खोलते हैं अपने फ़ोन को, यहाँ पे हमारा सैमसंग नोट्स है, वहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये टॉपिक्स हैं काफ़ी सारे, तो इसमें से दो एक टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी इससे पहले वीडियो बना दी थी, ठीक है। अब ऐसे ही करके 8-9 कुछ टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे ऐसे वीडियोस बनाएंगे, और आप भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो इसी बात पे, और कुछ पूछना टॉपिक के बारे में तो प्लीज़ रेगुलर वीडियोस को गाइस देखा करो। बहुत कुछ बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें आप उसको मिस कर देते हो, सिर्फ टाइटल देखते हो, थंबनेल देखते हो, बट ये सब चीज़ें ठीक है, बट खोल के देखोगे तो आपको कोई फालतू की वीडियो तो नहीं मिलेगी, बट हाँ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन ही मिलने वाली है अगर आप कुवैत जाना चाहते हो या किसी भी गल्फ कंट्रीज, ठीक है। सो यहाँ पे जैसा कि हमने बोला था कुवैत का वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज जैसा कि आप लोगों ने वो वाली वीडियो देखी होगी जब मैं ओमान इंटरव्यू के लिए गया था, तो मेरी बात वहाँ पे हुई थी किसी से, ठीक है। तो वो कंसल्टेंसी थे यानी एजेंट थे, तो ये चीज़ मैंने उनसे पूछी हुई थी। मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, तो उस टाइम तो उन्होंने मेरे को बताया, जो आप में से काफ़ी लोग जो कमेंट्स करते हैं, कुवैत का वीज़ा अभी तक नहीं आया है, हमारा ऑफ़र लेटर नहीं आया। देखो सबसे पहली बात मैं क्लियर करता हूँ, देखो आपने एजेंट के थ्रू इंटरव्यू दिया, ठीक है, यानी एजेंट मतलब कंसल्टेंसी के ऊपर वीडियो बना रखी है, ट्रस्टेड कंसल्टेंसी इन इंडिया, यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी, जाके देख लेना उसको, ठीक है। तो भाई देखो आपने इंटरव्यू दिया, या देखो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है गाइस, कंपनी टू कंपनी मतलब कुछ होता है कि भाई कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनको जल्दी चाहिए होते हैं स्टाफ, कुछ कंपनी होती हैं कि भाई ठीक है अभी हमारा रेस्टोरेंट है, कोई भी कंपनी है, उसको खुलने में टाइम लगेगा, तो हम धीरे धीरे यू नो बंदों को धीरे धीरे बुलाएंगे। वैसे जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 2 से 4 महीने होता है कुवैत का, 2 से 4 महीने, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप काफ़ी, अभी मैंने इंस्टाग्राम पर सुबह ही एक आई डोंट नो नाम क्या था कि उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई मैंने मतलब इंटरव्यू दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मेरा ऑफ़र लेटर अभी तक नहीं आया है, 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो मैंने कहा अच्छा जी चलो, फिर मैंने कहा कि इसको भी कवर कर देंगे। देखो ऑफ़र लेटर का सीन ऐसा होता है कि जैसा कि मैंने बोला, ऑफ़र लेटर 15-20 दिन में तो आ जाना चाहिए, इतना तो होता ही है। अगर आप सिलेक्टेड हो तो ऑफ़र लेटर 15-20 दिन में आ जाता है, नहीं तो 2-4 दिन में आता है, 15-20 दिन मान के चलो नॉर्मली, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है वीज़ा को लेके, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज आपको उसी वक्त बोल देगी ठीक है यू आर सिलेक्टेड, कुछ कंपनीज आपको बोल देगी ठीक है हम बाद में जवाब देते हैं, जो भी है कंसल्टेंसी वाला आपको फ़ोन करके बताएंगे कि भैया ठीक है आप सिलेक्टेड हो गए हो, जो भी 2-4 दिन बाद, अलग अलग सारे मैं तरीके बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वीज़ा को लेके कि आपका ऑफ़र लेटर आ गया, अब आपका वीज़ा कब आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो जब भी आपका वीज़ा जो होता है ना, फिर वही सीन है कंपनी टू कंपनी, वीज़ा आने से पहले आपको प्री मेडिकल कराना पड़ता है, ऑफ़र लेटर आया ऑफ़र लेटर के बाद आपको प्री मेडिकल कराना पड़ता है, ठीक है। प्री मेडिकल मैंने इसको ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कंसल्टेंसी से गल्फ कैसे जाते हैं, यूट्यूब पर सिर्फ इतना लिख दो मेरी वीडियो आएगी, उसमें पूरा प्रोसीजर बता रखा है आपको, पैसे कब कब देने एजेंट यानी कंसल्टेंसी को, ठीक है गाइस। तो ये वो वाली वीडियो जाके देख लेना, सर्च करोगे आ जाएगी, ठीक है। प्री मेडिकल हुआ, प्री मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो आप एजेंट को भेजोगे, एजेंट जो है कंपनी में भेजेगा, कंपनी से फिर आपका वीज़ा आता है। वीज़ा आने में वैसे 10 दिन भी लगता है, 15-20 दिन भी लगता है, 1 महीना 1.5 महीना भी, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कंपनी को किस हिसाब से स्टाफ चाहिए, समझ रहे हो इस बात को। तो ये सब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है गाइस, सब कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है और किसी चीज़ के ऊपर नहीं, ना एजेंट के हाथ में होता है ना हमारे हाथ में, सिर्फ कंपनी के ऊपर। जैसा कंपनी काम करेगी, जल्दी चाहिए तो जल्दी वीज़ा ऑफ़र लेटर आ जाएगा, 1.5 महीने में सब कुछ हो जाएगा,
लेकिन इतनी जल्दी होता नहीं है कुवैत का, 1 से 1.5 महीना 2 महीने में हो जाता है, अगर बिल्कुल ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है तो 2 महीना, 1.5 से 2 महीना तो मान के ही चलो। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया देखो आप, अब काफ़ी लोग पता है क्या बोलते हैं, अब ये मेरे को बात एजेंट ने बताई थी कि भाई काफ़ी लोग ना मतलब तब से काउंट करने लग जाते हैं कि जैसे कि आज मैंने अपना इंटरव्यू दिया है, मेरा सिलेक्शन हो गया, बोल दीजिए कंपनी के ठीक है यू आर सिलेक्टेड, तो आज से लोग काउंट करने लग जाते हैं कि भैया आज से मतलब हमने आज दिया है तो अब हमारा वीज़ा आने में कितना आएगा। तो आपको काउंट आज से नहीं करना, आपको काउंट तब करना है जब आपका प्री मेडिकल वगैरह आप दे देते हो ना, तो प्री मेडिकल देने के बाद आपको काउंट करना है वीज़ा का, जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो टोटल गैस पूरा होता है 2 से 4 महीने का। ठीक है, तो आपको तब से काउंट नहीं करना है कि सारी आपकी सारी चीज़ें कि भाई आज आपने मतलब इंटरव्यू दे दी और आज से आपको काउंट करना है कि आज 2 दिन हो गए या 4 दिन हो गए मेरा ऑफर लेटर नहीं, आपको जो काउंट करना है वीज़ा के लिए वो तब होता है प्री मेडिकल के बाद, जब प्री मेडिकल आपका पहुंच जाता है। ठीक है, बट प्री मेडिकल के बाद ही सारी चीज़ें होती हैं और डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बस ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ पूछना हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, बट अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग सीन है कि भाई मुझे कुवैत का मालूम है तो मैंने कुवैत का बता दिया। ठीक है, बस आज के लिए इतने, बाय।